आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में ज़्यादा समय नहीं रह चुका और सारी टीमें ब्रेक डाउन करने में लग चुकी है अपनी स्ट्रेटजी, किन खिलाड़ियों को रखना है, किन को जाने देना है, किन को टारगेट कर कर अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर सारी टीमें एक्टिव हो चुकी हैं अब, और ऐसे में आरसीबी की टीम जो है वह यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को टारगेट करने को देख रही है, ऑक्शन में नहीं, ऑक्शन से पहले ट्रेड विंडो के थ्रू। तो जी हाँ, हम आपको यहाँ पर बताने हैं आरसीबी के ट्रेडेड प्लेयर्स, जो प्लेयर्स आरसीबी ट्रेड कर सकती है आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले या मेगा ऑक्शन के बाद। वैसे ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि यह मेगा ऑक्शन से पहले ही इनको ट्रेड करने को देखेंगे। तो यहाँ पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आरसीबी की न्यूज़ के लिए और आईपीएल न्यूज़ के लिए। इस सूची में पहला नाम आता है रोहित शर्मा का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमआई के साथ अब इनके संबंध वैसे नहीं रह चुके हैं जैसे पहले थे, क्योंकि एमआई ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बना लिया था और इनको हटा दिया था कप्तानी से। तो अब ये मोस्ट लाइकली चॉइस होगी कि यह यहाँ पर एमआई को छोड़ें और किसी दूसरी टीम की तरफ रुख करें। तो आरसीबी ज़रूर इनको चाहेगी कि ये आ जाएं, क्योंकि अभी इंडिया के कैप्टन भी हैं और कैप्टन से हम तो जानते हैं इनसे बढ़िया कोई कर नहीं सकता। वहीं यहाँ पर जो दूसरे खिलाड़ी हो सकते हैं वह इनके एक्स प्लेयर हो सकते हैं जो इनके लिए पहले खेल चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कमाल लाजवाब राहुल की। जी हाँ, यहाँ पर केएल राहुल अगर इनकी टीम में आते हैं तो ये बहुत बड़ा वो होगा मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि हम सब जानते हैं कि केएल राहुल का भले ही फॉर्म ख़राब चल रहा हो पर जब ये T20 में अपना बेस्ट देते हैं तो ये सिंगल हैंडेडली उस मैच को जिता देते हैं। और अगर ऐसा ही यहाँ पर आरसीबी टीम अगर इनसे निकलवा लेगी तो यहाँ पर आरसीबी टीम के लिए काफ़ी आसान होगा अगर रोहित शर्मा और केएल राहुल इनके साथ साथ में ओपनिंग करने को देख जाए। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।